हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूं कि आप अरुणाचल का इनर लाइन परमिट जो ILP बोलते हैं उसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अरुणाचल जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पास बनाना पड़ता है, उसका नाम है ILP जो है इनर लाइन परमिट। ठीक है, तो उससे कैसे बनाना है उसका प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। सब कुछ ऑनलाइन तरीका ही होता है, ऑफलाइन भी आप बना सकते हैं लेकिन ऑनलाइन बनाने से अच्छा रहता है, आपका पैसा कम लगता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ सकता है गेट चेक पोस्ट में। ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, वीडियो को लाइक के बिना मत जाएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अरुणाचल प्रदेश का ILP यानी इनर लाइन परमिट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आप सर्च में आप सर्च कर सकते हैं अरुणाचल ILP। ठीक है, और यहाँ में दो लिंक्स आपको मिलेगा, मैं दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्स्ट वेबसाइट और सेकेंड वेबसाइट दोनों को ही आप न्यू टैब में ऐसे खोल लीजिए। ठीक है, अभी जो ILP अरुणाचल प्रदेश आ चुका है, अभी आपको अप्लाई EILP ठीक है, EILP यानी इलेक्ट्रॉनिक ILP इसमें आपको क्लिक करना है। अभी देखिए, अगर आप सिंगल आप अकेला जा रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, अगर ग्रुप में जाना पड़ता है तभी 100 रुपीज़ पर पर्सन ही देना पड़ेगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 या 2 दिन। आपको इमरजेंसी में चाहते हैं तो टूरिस्ट ELP आप इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप फटाफट मतलब जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा, 1 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 300 रुपये देना पड़ सकता है, मतलब पड़ता है 3 दिन के लिए, और 500 रुपये देना पड़ता है 3 दिन के ऊपर 14 दिन तक। अगर 14 दिन से ऊपर आप मतलब वहाँ में रहना चाहते हैं यानी 1 महीने के लिए, तो आपको इसमें आपको अप्लाई करना होगा जो सिंगल ELP और ग्रुप ELP। ठीक है, तो अभी मैं दोनों का तरीका बता दूंगा। ये जो टूरिस्ट ELP इसे आप क्लिक करने से ये वाला लिंक आपको खुल जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, पहले ये वाला खुल गया, देखा आपने, तो मैंने ये अलग से खोल रखा है। तो मैं अभी सिंगल ELP में दिखा दूंगा आपको अप्लाई कैसे करना है। और एक बात, आप जब टूरिस्ट ELP जो ये वाला वेबसाइट है इसमें आप फोन पे गूगल पे यानी UPI का मेथड आप पेमेंट के लिए आपको मिल जाएगा, लेकिन यह हमें नहीं मिलेगा सिंगल ELP में। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यही बात। ठीक है, तो मैं अप्लाई सिंगल ELP में क्लिक कर देता हूँ, इसे आप क्लोज कर दीजिए, COVID-19 टेस्ट अभी नहीं चाहिए, इसे ILP रहने दीजिए। प्रोसेसिंग ऑफिस मैं तेजपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं तेजपुर में रहता हूँ, पार्वती नगर। डेट ऑफ विजिट, सपोज आज कितना डेट है, 18, सपोज हम लोग जून, ओके हम लोग जुलाई में जाएंगे। ठीक है, 1 तारीख को जाएंगे और डेट ऑफ रिटर्न सपोज मैं अगस्त, एकदम 1 महीने के लिए ये दे देता है ILP। ठीक है, तो मैं पूरा सिलेक्ट कर लिया 1 महीने के लिए। अभी डिस्ट्रिक्ट सबको कहाँ कहाँ जाना है आप सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रहेगा जब आप जाएंगे तो कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेंगे और जब आप जाएंगे तो आपको पता चलता है कि वो डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट किया ही नहीं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो आप सब कुछ आप यहाँ में ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं भी दिखा दिया हूँ कैसे आपको सिलेक्ट करना है, सब कुछ आपको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे। ठीक है, आपको एक डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ना नहीं है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। और अगर आप पार्टिकुलर एक ही जगह जाना चाहते हैं तो उसका डिस्ट्रिक्ट सर्च करके एक ही डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सब कुछ सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, आपको ऐसे ही करना है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, आप ऐसे ही करना होगा। परमिट कैटेगरी टूरिस्ट, ठीक है, पर्पज ऑफ विजिट टूरिज्म, मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसे ही कीजिए। ठीक है, पर्पज ऑफ विजिट दे दिया मैंने, लोकल रेफरेंस जिसे डिटेल्स आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, लोकल रेफरेंस डिटेल्स अगर आपका जानकार पहचान है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए नीचे आइए, फुल नेम एप्लीकेंट, सपोज राकेश कुमार जा रहा है, मैं ऐसे ही एक नाम दे देता हूँ,
जेंडर मेल, ईमेल आईडी सपोज राकेश कुमार @gmail.com, डेट ऑफ बर्थ सपोज उसका डेट ऑफ बर्थ है 2000 मार्च 7, सपोज प्रेजेंट ऑक्यूपेशन सपोज स्टूडेंट, ठीक है। अभी एड्रेस देना पड़ेगा, आप अच्छे से दे दीजिए एड्रेस। सपोज वो रहता है चांदमारी में, सपोज तेजपुर में ही रहता है वो, वैसे भी मैं तेजपुर से ही हूँ, ये तेजपुर दे दिया, सब कुछ ये तेजपुर ही होगा, डिस्ट्रिक्ट हो गया सोनितपुर, यहाँ में हो गया असम, कॉन्टैक्ट नंबर सपोज 9954099540, ऐसे रैंडम नंबर दे दिया, सेम एज प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस में सिलेक्ट कर दिया, ऑल्टरनेट नंबर सपोज 1234567890, ठीक है। अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, आधार कार्ड सपोज वो सिलेक्ट करता है, सपोज वो दे देता है आधार कार्ड सपोज ये है, फोटो ऐसे ही दे देता हूँ एक रैंडम, ठीक है, रैंडम फोटो दे देता हूँ यहाँ से, ये फोटो हो चुका है। अभी प्रीव्यू में आप क्लिक करेंगे, फॉर्म नॉट प्रॉपरली फिल हाईलाइटेड इन रेड, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ये लोकल रेफरेंस नंबर देना होगा, सपोज तवांग दे देता हूँ यहाँ मैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क N/A, ठीक है। फोटो फोटो अलग देना पड़ेगा अभी मुझे, सपोज ये दे दिया। अभी प्रीव्यू में ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउड, ठीक है, एनी। अभी मैं प्रीव्यू में क्लिक कर देता हूँ, अभी ये प्रीव्यू आ चुका है, टूरिस्ट तवांग सब कुछ आ चुका है यहाँ में। आपको ये जो कैप्चा है उसको वेरीफाई करना है, WMFRP ऐसे आपको करना होगा, उसके बाद सबमिट में क्लिक कर देना होगा, रॉन्ग कैप्चा, ठीक है, रिफ्रेश कैप्चा कर देता हूँ एक बार, D4RKP, सबमिट में क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसे अभी आपको पेमेंट करना होगा, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, इसे आप कॉपी कर लीजिए, रेफरेंस नंबर ही सेंड टू योर ईमेल आईडी, ऐसे ही आ गया है। अभी आपको करना होगा, इसे मैं कॉपी कर लिया, फिर से मैं अरुणाचल LIP में आ जाता हूँ, फिर स्टेटस एंड रिप्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन में दे देता हूँ 9954090, मैंने जो दिया था इसलिए आप याद करके जो आपका चालू रहता है उसे ही आप दीजिए फोन नंबर DKK83, ठीक है, ऐसे आपको सबमिट करना होगा। ये आ गया अंडर प्रोसेसिंग, जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ में, ठीक है। तो आप जब पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका ELP आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप हो या मोबाइल में हो आप ऐसे कर सकते हैं। जब यहाँ में आप करेंगे ELIP, यहाँ में टूरिस्ट ELIP में आपको ILP क्लिक करना होगा, जो इमरजेंसी एक दिन में ही मिल जाता है, तो इसमें आप एग्री कर दीजिए। तो इसमें आपको एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, सपोज मैंने ऐसे रैंडम दे दिया, प्रोसीड में आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद सिंपल राकेश कुमार और जो मैं पहले दिखाया था यहाँ में आपको सिर्फ 100 रुपीज पे करना होगा, ठीक है, जो मैं सिंगल ILP किया था। अगर आप ग्रुप ILP करते हैं तो 100 रुपीज पर पर्सन, अगर मतलब दो लोग जाएंगे तो 200, तीन लोग जाएंगे तो 300 आपको पे करना होगा यहाँ में, लेकिन अलग है। टूरिस्ट ILP में 3 दिन के लिए 300 और 3 दिन के बाद 14 दिन के लिए अगर आप रहते हैं तो आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ में मेल सपोज राकेश कुमार @gmail.com, ऐसे आपको करना है, मेल इंडियन डेट ऑफ बर्थ
मैंने क्या दिया था, मैं ये भूल गया, सपोज हो गया, अभी एड्रेस तेजपुर, फिर स्टेट आपको सिलेक्ट करना होगा आसाम, ये हो गया सुनीतपुर, एकदम इजी प्रोसेस है, आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ये अपलोड कर दिया है, फिर XN5DE अपडेट एंड प्रोसीड। ठीक है, ऑल डिटेल्स अगर जो है सबमिट द एप्लीकेशन, आपको यस में क्लिक करना होगा तो सबमिट हो जाएगा। अभी OTP सेंड मोबाइल नंबर में वेरीफाई के लिए OTP जाएगा, तो यहाँ में OTP जब आप वेरीफाई कर देंगे उसके बाद आप पेमेंट करके, पेमेंट करने के लिए यहाँ में ही आना पड़ेगा, जो यहाँ में स्टेटस और प्रिंट के लिए यहाँ में नहीं है ऑप्शन। ठीक है, पहले वाले वेबसाइट में जाके आप ERP स्टेटस और प्रिंट आप कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ में वेरीफाई करने के लिए यहाँ में टैप कर देंगे, फिर OTP आ जाएगा, फिर वेरीफाई OTP कर देंगे, उसके बाद लॉगिन फॉर प्रिंट एंड पेमेंट में आप क्लिक कर देंगे, ये यूजर आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका मेल में आ जाएगा, तो आप इसे जब आप लॉगिन कर देंगे तो उसके बाद आप पेमेंट करके प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब इस वेबसाइट में भी कर सकते हैं, मेरा गलती हो गया सॉरी, मतलब फर्स्ट वेबसाइट में भी आप प्रिंट कर सकते हैं, सेकंड वेबसाइट में भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे आप टूरिस्ट ERP अरुणाचल प्रदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आपके यहाँ नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।